बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होएगा आइल्स के, जो मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने क्रैक की है, क्या मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी उसके रिगार्डिंग। लाइक मेरे को कल ही एक कमेंट आई है कि मतलब कोई है जो यूपी से आने वाला है, तो उसने बोला कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो स्टार्टिंग से, तुम कैसे गई, कैसे क्या क्या, ये सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा जो आज का व्लॉग होगा वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने अपनी कैसे आइल्स क्रैक किया। क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, कोई भी मतलब बाहर स्टडी के लिए आ रहा है किसी कोई भी कंट्री में, नॉट इवन इन मतलब सिर्फ इसी में ही नहीं कि कैनेडा में ही, इवन अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे, यूके जाओगे, कैनेडा जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, तो आपको आइल्स क्रैक करना है। उसके बाद ही अगर आपके उसमें बैंड आते हैं देन यू आर एबल टू गो टू अब्रॉड फॉर द स्टडी, अदरवाइज नो, मतलब जा ही नहीं सकते। तो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पहले मैं बताऊँगी कि मैंने कहाँ से अपना मतलब किया अपनी कोचिंग। मैंने की थी लाइक जैसे मैं यूपी से हूँ तो मतलब यूपी में इतना कोई जानता नहीं है कि आइल्स क्या है, कैसे बाहर जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। आई थिंक मतलब जो मेरा एरिया है वहाँ से आई थिंक मैं सिंगल वन हूँ जो मैं आई हूँ कैनेडा बाहर। तो मैंने ली थी अपने कुरुक्षेत्र से, मतलब हरियाणा से कोचिंग ली थी मैंने। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, पंजाब में, सॉरी, जहाँ भी है, मतलब मैंने कुरुक्षेत्र से ली थी अपनी कोचिंग। सो द एशियन ओवरसीज है कोचिंग का नेम। अगर आपको भी किसी को भी कांटेक्ट करना है तो आप उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, गूगल पे जस्ट डालना है द एशियन ओवरसीज, वहाँ से उनका कांटेक्ट नंबर लेके उनसे कांटेक्ट कर लेना। अगर किसी को भी आइल्स और पीटीए मतलब दोनों में से अगर कुछ भी करना हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपना सब कुछ फेस स्ट्रक्चर हर एक चीज़ बता देंगे, कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे नहीं करना, क्या मतलब हर एक चीज़। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी कोचिंग की 28 फेब, मतलब मैं कुरुक्षेत्र चली गई थी 28 फेब को। तो मेरी जो कोचिंग की स्टार्टिंग थी वो थी 1 मार्च। तो मैं घर से ही सोच के गई थी कि मेरे को विद इन 3 मंथ अपना कम, 3 महीने मैंने इसलिए सोचे थे क्योंकि मतलब मैंने जितने भी ब्लॉग्स देखे थे तो सभी बोल रहे थे कि 3 महीने 3 महीने। तो मैंने भी अपना अपना टाइम पीरियड पूरा सेट करके गई थी कि विद इन 3 मंथ मेरे को कंप्लीट करना है, फिर अपना आना है घर पे, इन्जॉय करना है। अगर क्रैक होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपनी कंट्री तो है इन्जॉय के लिए। तो ये था। तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसे होता है, आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो तो ईजी है, मतलब ईजी इन द सेंस कि अगर तुम इंग्लिश मीडियम में लाइक CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड से अगर तुमने स्टडी की हुई है इंग्लिश मीडियम से, तो तुम्हारे लिए दोनों चीज़ बहुत ईजी है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। क्योंकि लिसनिंग में क्या है, लिसनिंग में सिंपली हमें सुनना है जो भी वो बोल रहे हैं और फिर वही मतलब लिखना है। जैसे कि चलो मैं ना तुम्हें एक एक करके मॉड्यूल के बारे में बताती हूँ, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, मैंने कैसे कैसे क्या किया है। लिसनिंग जो मॉड्यूल है उसमें क्या होगा कि वो एक ऑडियो मतलब सुनाते हैं और फिर जो हमारे पास एक पेपर रहता है उस पेपर में मतलब ऐसे होता है ब्लैंक रहते हैं, ब्लैंक रहता है, उस ब्लैंक में जो भी वो वर्ड बोलेगा, जैसे कि उसने पूरी लाइन बोली तो एक लाइन में ना हमारे पास एक ब्लैंक रहेगा, तो उसको हमें फिल करना होता है लिसनिंग में, तो वो ईजी है। ऐसा होता है 4 सेक्शन रहते हैं लिसनिंग में, सेक्शन 1 सेक्शन 2 3 एंड 4, 4 सेक्शन रहेंगे। जो ए और बी सेक्शन है मतलब 1 और 2 सेक्शन है वो थोड़ा ईजी रहता है, उसमें वो थोड़ा स्लो बोलते हैं तो समझ आ जाता है ईजीली। लेकिन जो सी और डी सेक्शन है वो थोड़े हार्ड रहते हैं, उसमें थोड़ी फ्लुएंटली बोलते हैं वो, तो थोड़ा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लिसनिंग इतना हार्ड नहीं है। अब चलते हैं हम स्पीकिंग में। स्पीकिंग क्या है, मेरी स्पीकिंग ऐसे निकलती मतलब स्पीकिंग नहीं निकलती ऐसा सिंपली, तो मतलब मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ की, मेरे से इस निकलते हैं ऐसे, बट इट्स ओके। तो स्पीकिंग में क्या है कि सिंपली ऐसे होता है कि जैसे कि 3 या 4 मंथ का कोई वो होता है, मतलब आइल्स में जैसे कि 1 साल में ना वो ऐसे 60 या 70 के समथिंग क्यू कार्ड होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम ऐसा वगैरह बोलते हैं स्कूल टाइम में, तो उसी के उसमें होता है जैसे कि 60 to 70 वो दे देते हैं क्यू कार्ड, तो उन्हें हमें प्रिपेयर करना होता है। और प्रिपेयर ये नहीं कि तुम्हें 60 और 70 सारे ही करने हैं प्रिपेयर, ऐसे होता है कि बहुत से क्यू कार्ड ये ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे एक क्यू कार्ड है कि भाई अपने फेवरेट पर्सन के बारे में बताओ, और एक क्यू कार्ड हो जाता है कि तुम्हारे सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा जिसको तुम बहुत लाइक
हो, तो ऑब्वियसली फेवरेट पर्सन में भी और जो सोसाइटी का बंदा है जो अच्छा है उसमें दोनों में सेम क्यू कार्ड आ जाएगा। तो मतलब ऐसे है कि अगर उन्हें 60-70 क्यू कार्ड देते हैं तो उनमें से होता है मैं बस 20 मैक्सिमम है जो मैं रेडी करने की नीड पड़ती है, वरना अदरवाइज वही फिट हो जाते हैं। अगर उसमें क्यू कार्ड में बस फिट आने चाहिए कि हमें कैसे फिट करना है। ये स्पीकिंग में ऐसा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगी कि जब मैं गई अपने स्पीकिंग के लिए और जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया तो क्या क्या हुआ, वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी अपना कोचिंग का। फिर जो रीडिंग और राइटिंग है, राइटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है और रीडिंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब मेरी तो ऐसे था कि मैं ना रीडिंग का मैंने अपना सेट कर रखा था, क्योंकि मेरे सिटिंग रीडिंग में ना कभी आए ही नहीं थे बैंड। मतलब बैंड का सिस्टम ये है कि मतलब 9 बैंड होते हैं, 9 में से हमें 6 या फिर 6.5 लाने होते हैं। अगर किसी की ग्रेजुएशन हो रखी है तो 6 लेके आने हैं, अगर कोई 12th बेस पे हो रखा है तो 5.5 भी चल जाते हैं आई थिंक। तो मेरे को 6 चाहिए थे, तो मेरे स्टार्टिंग में तो रीडिंग में 6 आए ही नहीं, पता नहीं क्या हो रखा था यार, मतलब आते ही नहीं थे 6। तो क्या हुआ, जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मेरे को बोला कि दिन में ना अपना टारगेट बना ले कि इतनी रीडिंग तेरे को करनी है, चाहे बैंड आए या ना आए, अपना समझ समझ के कर। बेशक जैसे कि 1 घंटे की लिमिट होती है, 1 आवर की लिमिट होती है कि हमें कंप्लीट करना है, तो बेशक तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले बट समझ समझ के करने की कोशिश कर। तो फिर मेरा मतलब दिन में टारगेट था कि मेरे को 4 रीडिंग के सेट करने हैं एनी हाउ। तो रीडिंग का मैंने अपना टारगेट बनाया, लेकिन फिर भी मैंने इतनी मतलब वो की रीडिंग में पूरा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी और कोचिंग मेरी स्टार्ट होती थी 7:30 पे। तो 4 से 5 और 5 से 6 में 2 रीडिंग के सेट सुबह करके जाती थी और 2 फिर आने के बाद करती थी। और जो कोचिंग में करती थी वो अलग है, मतलब रीडिंग पे मेरा मेन फोकस था। तो फिर रीडिंग पे तो मैंने फोकस कर लिया, जो मेरी राइटिंग थी वो भी ऐसी थी। राइटिंग में मेरी अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी इन द सेंस कि मेरे को ना थॉट्स आते थे लेकिन एक्सप्लेन करने नहीं आता था उनको कि एक्सप्लेन कैसे करूँ। मतलब अगर तुम कहीं भी कोचिंग में जाओगे तो हर किसी का फॉर्मेट अलग अलग होता है, हर कोचिंग वालों का फॉर्मेट एकदम अलग आएगा। कोई कैसे बताएगा लिखने के लिए, कोई कैसे बताएगा। तो मतलब जैसे जिस कोचिंग में मैं जा रही थी, मतलब वहाँ पे क्या था, उनका स्ट्रक्चर एकदम अलग था। उन्होंने ऑलरेडी दे रखे थे हमें लाइंस वगैरह, बस उनमें हमें अपना आइडिया, अपना एग्जाम्पल और उनको एक्सप्लेन कैसे करना है वो डालने थे। पर जब आइडिया मतलब आइडिया तो आ गए, अब उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। मतलब ऐसा होता था जैसे कि 2 आइडिया सेम सेम लगते थे, मतलब नहीं 2 आइडिया चलो अलग है लेकिन उनके जो एक्सप्लेनेशन होती थी वो सेम होती थी। तो मेरे को समझ नहीं आता था कि हम एक्सप्लेनेशन कैसे करूँ इनकी, क्योंकि सेम सेम कर नहीं सकते थे। तो फिर मैंने रीडिंग तो अपनी पूरी वो कर ली, टारगेट बना लिया कि रीडिंग तो मेरे को करनी है, 4 सेट चाहे कैसे भी करना है। और जो राइटिंग का है, राइटिंग मेरे को बहुत बोरिंग लगती थी। अगर मैंने कोचिंग में किया जो किया, घर पे आके मैं कुछ नहीं करती थी, बस पॉइंट्स लिख लेती थी, थॉट्स लिख लेती थी कि हाँ इस अगर ये वाला टॉपिक आएगा तो इसमें ये लिख दूंगी, अगर ये आएगा। उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती थी मेरे से। तो मतलब राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग का ये था। तो जब मैं कोचिंग में गई ना तो ऐसे हुआ, सब ने बोला कि तुम्हारी स्पीकिंग भी सही है। सब ने क्या मतलब, हाँ बोलते थे सभी, क्योंकि मेरे कभी स्पीकिंग में 6 से कम नहीं आए, 6 बैंड से कम। और इवन जब बाद में तो मेरे 6.5 6.5 ऐसे कंटिन्यूसली 6.5। तो मैं पहले अपना स्पीकिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्या रहा। तो एक बार क्या हुआ, मुझे ना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो मेरी आ गई स्पीकिंग। तो जब मैं स्पीकिंग देने के लिए गई ना तो मेरी ना मतलब वो हुआ, मेरे से बोलने नहीं गया, तो उन्होंने मेरे को बैंड दिया 4.5। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं कहा यार ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे कि भाई थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, थोड़ा तो समझना चाहिए कि इस बच्ची के कभी आए नहीं है 6 साढ़े 6 से कम और आज इसको 4.5 दे रहे हैं। मैंने बोला भाई कि सर कल दे दूंगी लेकिन मेरे बैंड मत लिखो ऐसे आप। बोले कि नहीं ऐसे ऐसे, तो ऐसे करके मेरे को वो कर दिया। तो मुझे बहुत रोना आया, मतलब मैं रोई भी थोड़ी थोड़ी बट कोई नहीं। तो फिर जब मतलब मैं एक दिन का मैंने फिर मतलब ऑफ लिया कि मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगी जब तक मेरा पूरा गला ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसे बेइज्जती फील होती है कि भाई जो अगर किसी बंदे से कुछ ना आए और उसके बैंड आ रहे हैं तो वो चलता है, लेकिन अगर किसी को सब कुछ आ रहा है उस पर मतलब कोई प्रॉब्लम है, नहीं बोला जा रहा है कुछ भी, तो उसको बहुत दुख होता है फिर उस चीज़ का। लाइक मी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। तो फिर मैं एक दिन नहीं गई, मैंने टैबलेट वगैरह ली, मतलब मैं वो ली मतलब सिरप लिया, उससे मेरा थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं नेक्स्ट डे गई तो स्पीकिंग तो मेरा मतलब सही था, स्पीकिंग में मेरे को थी, मैं कॉन्फिडेंट थी पूरी कि आ जाएंगे, स्पीकिंग में कोई टेंशन नहीं है। अब आई बात लिसनिंग,
लिसनिंग में भी मेरे अगर है ना वो बहुत बार ना स्पीड बढ़ा देते थे कोचिंग वाले, मतलब जैसे कि 4 बैच थे हमारे, एक तो बेसिक, एडवांस, प्री एडवांस एंड देन एग्जाम बैच। तो बेसिक में तो हमारा बहुत बेसिक से लिसनिंग होती थी, जैसे कि बस एक ही दिन में सेक्शन ए कराया बस, वो भी सेक्शन ए और बी तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि बहुत सिंपल होता है, तो सेक्शन ए और बी ही कराते थे बेसिक में। फिर एडवांस में हमारा सेक्शन लास्ट वाला नहीं कराते थे, क्योंकि वो थोड़ा मतलब तेज़ तेज़ बोलते थे, फ्लुएंटली बोलते थे, तो हमें समझ नहीं आता था, तो एडवांस में ही था। फिर प्री एडवांस में गए तो वहाँ पे पूरा सेट कराते थे, और एग्जाम बैच में तब ट्रांसफ़र कराते थे कोचिंग वाले, जब बच्चा पूरा कैपेबल हो कि या हाँ भाई उन्हें पूरा यकीन हो जाता था, बिलीव हो जाता था कि या हाँ अब ये हैंडल कर लेगा, एग्जाम बैच में उनको भेजते थे, ताकि एग्जाम बैच में जाने के बाद फिर 15 या 20 दिन के बाद वो एग्ज़ाम फिल करा देते थे बच्चों का, ऐसे था। तो फिर मतलब मैं एग्ज़ाम बैच में चली गई थी, मैं 1.5 महीने के आसपास, 1.5 मंथ के आसपास मैं अपना एग्ज़ाम बैच में चली गई थी, और उस बीच में मैंने अपने मतलब घर पे भी आई थी, क्योंकि घर पे कोई फंक्शन था। तो मतलब मेरे को ये बिलीव नहीं होता कि मैंने टोटली 2 मंथ और 10 डेज में अपनी कोचिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी, और जो मेरे बैंड आए हैं वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग। तो लिसनिंग भी मतलब मेरी ठीक थी लिसनिंग में, लेकिन एग्ज़ाम बैच में आने के बाद ना हम डिमोटिवेट हो गए थे यार, ऐसे हुआ। एग्ज़ाम बैच में आने के बाद क्या हुआ, वो ना जैसे कि स्पीड बढ़ा देते थे वीडियो की, जैसे कि 1 पे है तो 2.5 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, 1.5 पे, वो ऑलरेडी इतना फ्लुएंटली बोलते थे, वो और ज़्यादा वो कर दिया, मतलब स्पीड बढ़ा दिया, तो मैं समझ ही नहीं आता था। बहुत बार तो हमारे चार चार बैंड आए स्पीकिंग में, तो स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो गई। जो मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे, मतलब फ्रेंड तो सारे ही थे, बट फिर भी मतलब एक के बारे में बता रही हूँ, मैंने उसको बोला कि यार ये एग्ज़ाम बैच वाले तो बहुत ख़राब है, मतलब मोटिवेट करने से तो गए बच्चे को कि भाई तुमने प्रोग्रेस की है, ये तो डिमोटिवेट करने लग रहे हैं कोचिंग वाले। तो बोले कोई नहीं, हो जाएगा सब, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा सब। तो वो मतलब मेरी लिसनिंग भी अच्छी थी, लिसनिंग हो गई थी, मतलब मैं घर पे भी आके प्रैक्टिस करती थी। लिसनिंग का क्या था, अगर घर पे आके प्रैक्टिस करनी है तो जब भी तुम्हें ना नींद आने को होए कि भाई जैसे कि घर पे आके तुम अपना वो कर रहे हो, जो भी तुम्हें होमवर्क देंगे वो कर रहे हो, या फिर उससे अलग भी तुम्हें अपना खुद से टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, तो लिसनिंग उस टाइम पे करो जब तुम्हें ये हो कि भाई अब तुम्हें नींद आने लग रही है। तो वो मतलब लिसनिंग में इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं तो ना रात को जैसे कि मैं 12 बजे सोती थी, 11 या 12 बजे, तो मैं पूरी सुन के मतलब तब करती रहती थी, चाहे मेरे को नींद भी आ रही हो मैं तब भी करती रहती थी। लिसनिंग हो गई, अब हम आते हैं राइटिंग। राइटिंग तो मतलब यही है कि हर किसी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, अगर तुम कहीं और जाओगे वो कैसे बताएंगे राइटिंग के लिए, अगर कहीं और जाओगे वो कैसे बताएंगे। राइटिंग में होता है कि हमारा एक मतलब दो होते हैं राइटिंग, टास्क वन एंड टास्क टू। टास्क वन में हमारा ऐसे होता है जैसे कि हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, ये टेबल चार्ट वगैरह, ये सब इनको बस एक्सप्लेन करना होता है। पहले उनका इंट्रोडक्शन दो, जो भी बार ग्राफ है, लाइन चार्ट, जो भी है, उसका इंट्रोडक्शन 1 या 2 लाइन में फिनिश करके फिर उनका ओवरऑल बताना है कि भाई ये इस बार ग्राफ के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हायर है, क्या लोअर है, क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, ये सब कुछ। और देन जो मतलब उसी में मतलब BP1 और BP2, मतलब पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, उसमें मतलब एक्सप्लेन करना होता है। पैराग्राफ 1 में मतलब एक जैसे कि 2 बार ग्राफ है तो अलग अलग करके एक्सप्लेन, अगर मतलब एक ही है जैसे कि एक ही बार ग्राफ है या एक ही पाई चार्ट है तो हाफ हाफ करके, मतलब जो चीज़ मैक्सिमम है वो अलग में, जैसे कि मैन और वुमेन का कंपैरिजन दे रखा है तो उनको BP1 और BP2 में एक्सप्लेन करना होता है। और टास्क 1 में कभी भी हम कंक्लूजन नहीं लिखते, बस उनका इंट्रोडक्शन देना है, ओवरऑल देना है, देन BP1 और BP2, इनफ। और जो टास्क 2 है उसमें हमारे पास वही जैसे कि हमारे स्पीकिंग में एक क्यू कार्ड आता है, एक टॉपिक आता है कि तुम्हें इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन करना है या बोलना है तुम्हें 5 मिनट या 2 मिनट, जितना भी, ऐसे ही हमारा राइटिंग में होता है। राइटिंग में हमें कोई भी टास्क 2 में मतलब कोई भी टॉपिक दे देंगे, जैसे कि दे दिया कि जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये मतलब डिमोलिश होती जा रही है, और जो मतलब नई नई बिल्डिंग्स है, जैसे कि मतलब कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कुछ है, मतलब उनमें या तो कन्वर्ट करते जा रहे हैं या फिर उनको बनाते जा रहे हैं, और जो हिस्टोरिकल है उनको मतलब डिमोलिश करते जा रहे हैं, तो क्या इसके वो है प्रोज कॉन्स, मतलब ये सब बताने होते हैं। तो पहले उसका हम सेम वही इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में हमें उसकी थीसिस बनानी होती है। थीसिस जब मैं इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि
क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थीसिस कैसे एक्सप्लेन करनी है, कैसे क्या ब्लॉग चाहिए कि भाई राइटिंग का अलग ब्लॉग देना है, रीडिंग का अलग ब्लॉग देना है, लिसनिंग का अलग, स्पीकिंग का अलग, तो मैं वो भी दे दूँगी। तो मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे चाहिए और चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर मतलब ऐसे है, पहले उसका इंट्रोडक्शन और थीसिस दोनों इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में आएगी, फिर ऐसे ही BP1 BP2 एंड देन कंक्लूजन। टास्क दो में हमेशा कंक्लूजन आएगा राइटिंग के। तो मतलब BP1 में वही सेम, अपना पहले पॉइंट लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर एक एग्जांपल देना है। और इसमें ना मतलब हमारा जो कोचिंग का फॉर्मेट था वो अलग, मतलब उन्होंने ना हर एक चीज़ मेंशन कर रखा था, बस हमें पॉइंट, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल डालने होते थे, वरना अदरवाइज उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेंशन था, सब कुछ मतलब लिखना होता था, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज, फॉर इंस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम दिस, एज, और देन फॉर इलस्ट्रेशन, और एक था अल्टरनेटिवली बट ऑल्सो नॉट ओनली, मतलब ऐसे करके सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास थी, बट हमें उसमें सेट करना होता था अपना थॉट्स, अपनी एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जांपल। सेम ऐसे BP2 में, और फिर कंक्लूजन में हमें उसका कंक्लूजन लिखना है। सेम जैसी थीसिस होती है ऐसे ही हमें बस कंक्लूजन लिखना होता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है राइटिंग में। मतलब अगर तुम्हारे पास थॉट्स हैं, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ जाते हैं अगर किसी भी टॉपिक को तुम देखो, तो तुम ईजिली कर लोगे राइटिंग। राइटिंग में मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगा, बट फिर बाद में करने के बाद आ गया, वही होता है ना, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट। तो सेम ऐसे ही है। फिर आती है हमारी रीडिंग, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। तो इसमें क्या है, रीडिंग में मेरे अकॉर्डिंग जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, जितनी भी कर सकते हो रीडिंग में उतना बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब रीडिंग जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उसी से है, कि तुम ये नहीं कर सकते कि भाई एक दिन में तुम एक रीडिंग कर रहे हो या दो रीडिंग कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होना चाहना। मतलब रीडिंग इतनी कर दो कि अगर तुम्हें वहाँ पे जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पे ऐसा लगे कि ये तो मैंने कर रखी, मतलब ऐसा होगा तो नहीं ना, वे उनकी उनकी अलग ही रीडिंग होती है, मतलब ये तो है ही नहीं कि पहले कभी आ रखी हो तो वो ही दे देंगे। बट ऐसा होता है कि भाई अगर तुम इतनी ज़्यादा रीडिंग कर दोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने कर रखी है, मतलब ये तो हो जाएगी। तो मतलब ऐसा है रीडिंग में, वही था मेरा एक्सपीरियंस। और मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया था, जैसे कि मैंने बताया मैं 1 मार्च को गई थी अपना कोचिंग के लिए, और फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था 28 मई को, मेरा एग्ज़ाम था 28 मई को एग्ज़ाम था। तो 11 तारीख को शायद 10 को मेरा रिज़ल्ट आ गया था। और जो ये ब्लॉग है कि मतलब मेरा क्या रिज़ल्ट आया, कहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया, कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ मैं अपना अगले ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि ऐसा ना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है मेरा, ऑलरेडी 15-17 मिनट का तो जा ही रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कम करूँ 10 या 8 मिनट का, बट होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी अपना कम से कम टाइम में अपना ब्लॉग बनाऊँ। और अगर किसी को मतलब अलग सेपरेट व्लॉग चाहिए कि भी रीडिंग का अलग व्लॉग देना है, स्पीकिंग का अलग, लिसनिंग का अलग, राइटिंग का अलग, तो मैं अलग देने के लिए भी रेडी हूँ, तो जस्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हारे पास न्यू अपडेट्स आती रहे। मैं डेली एक व्लॉग डालने वाली हूँ डेली। थैंक यू, बाय बाय।